वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के 33 एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल्य कांडम त्रय त्रिंशह सर्गः, बारात की घर वापसी और परशुराम से मुठभेड़। विवाह उपरांत महर्षि विश्वामित्र दोनों राजाओं से विदा ले, जनक जी और दशरथ जी से विदा ले, हिमाचल की ओर चले गए। राजा जनक ने राजा दशरथ को खूब सारा दहेज दिया। उन्होंने अपनी दोनों कन्याओं को खूब दासियां दी, सोने चांदी के आभूषण दिए और बहुत सारी वस्तुएं दी, कई गोए प्रदान की। उसके बाद महाराजा दशरथ राजा जनक से विदा ले आगे की ओर बढ़ चले। सारे ऋषियों को आगे कर महाराजा दशरथ अपने चारों पुत्रों के साथ चल पड़े। रस्ते में महाराजा दशरथ ने देखा भयंकर राजाओं का मर्दन करने वाले जटाजूट परशुराम को। कांधे पर फरसा लिए और हाथ में दैदिप्यमान धनुष लिए परशुराम ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे स्वयं भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध करने आए हों। बाकी सभी ऋषि वशिष्ठ जी के साथ मिलकर ये बातचीत करने लगे कि पितृ वध से क्षत्रियो का नाश करने पर भी शायद परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ है और वो क्षत्रियो का नाश समूल ही कर देना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सभी ऋषिगण राम राम कहते हुए परशुराम की ओर बढ़े। परशुराम ने सभी ऋषियों का आदर सत्कार ग्रहण किया। फिर उसके बाद वो भगवान श्री राम से बोले, हे राम, तुम्हारा पराक्रम खूब सुना जाता है। मिथिला में जो तुमने धनुष तोड़ा मैंने उसके बारे में भी सुना। आज मैं एक दूसरा धनुष लेकर के आया हूँ। परशुराम भगवान श्री राम से बोले, ये भयानक धनुष जामदग्ध्य है, इस पर तीर चढ़ाकर अपना बल प्रदर्शित करें। परशुराम की बात सुन राजा दशरथ निराश हो गए और हाथ जोड़कर परशुराम से बोले, हे ब्राह्मण, आप महातेजस्वी हैं, क्षत्रियों पर जो आपका कोप था वो अब समाप्त हो गया है। आपने इंद्र के समक्ष प्रतिज्ञा की थी ब्राह्मण होने पर ऐसी प्रतिज्ञा तोड़ना अच्छा नहीं। आप मेरे दोनों बालकों को अभय प्रदान करें। आप तो धर्म परायण होकर पूरा राज्य पृथ्वी का कश्यप को देकर महीन चल पर चले गए थे, आपको ये शोभा नहीं देता, आप अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ सकते हैं। परशुराम महाराजा दशरथ की बात की अवहेलना करते हुए भगवान श्री राम से बोले, हे महापराक्रमी, अपना बल प्रदर्शित करो और इस धनुष पर तीर चढ़ाओ। परशुराम के वचन सुन भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ जी के गौरव से मन स्वर में बोले, हे परशुराम, मैंने आपके द्वारा किए गए कर्मों के बारे में सुना है। आपने अपने पिता की मृत्यु का बदला किस प्रकार लिया ये भी मुझे ज्ञात है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप हमें वीर्यहीन समझे और हमारे अंदर शास्त्र विद्या का अभाव है ये समझे। आज मैं आपको अपना पराक्रम दिखाता हूँ। इस तरह क्रोध में आकर भगवान श्री राम ने परशुराम के हाथ से वो धनुष छीन लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तीर चढ़ाकर बोले कि हे भार्गव, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होने के नाते मैं आपको मारूंगा नहीं और साथ ही आप विश्वामित्र जी के संबंधी हैं तो भी मैं आपको नहीं मारूंगा, परंतु आपकी गति अपने पराक्रम से जरूर रोक दूंगा। श्री राम के तेज के समक्ष परशुराम जड़ के समान वीर्यहीन हो गए और कमल नेत्र भगवान श्री राम से बोले, हे भगवान श्री राम, जब ये पृथ्वी मैंने क्षत्रियों का वध कर कश्यप को दी थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम इस पृथ्वी पर मत बसना, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चलने और फिरने की शक्ति को नष्ट मत कीजिएगा। हे राम, अपने तप द्वारा जो मैंने यश और कीर्ति प्राप्त की है उसे इस बाण से नष्ट कर दो, जरा भी विलंब मत करो। भगवान श्री राम ने बाण छोड़ दिया और परशुराम की कीर्ति और यश सब समाप्त हो गया। परशुराम अपने स्थान को लौट गए। परशुराम के जाने के पश्चात भगवान श्री राम ने राजा दशरथ से कहा, पिताजी, परशुराम चले गए हैं, अब हमें अयोध्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए। राजा दशरथ ने भगवान श्री राम की बात सुन अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका माथा चूमा और अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने देखा कि अयोध्या वासियों ने पुत्र वधुओं के स्वागत के लिए बहुत सी तैयारियां की हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हर जगह उत्साह ही छाया हुआ था।
चारों माताओं ने अपनी पुत्र वधुओं का स्वागत किया, अपने पुत्रों का स्वागत किया। ठीक इसी प्रकार सब खुशहाल जीवन जीने लगे। कुछ समय बाद कैकेयी के भाई भरत को लेने के लिए आए। तब कैकेयी ने भरत से कहा कि तुम्हारे मामा तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं कुछ समय के लिए। तब भरत ने कहा ठीक है। भरत ने राजा दशरथ की और अपनी तीनों माताओं की आज्ञा ली और शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के साथ कैकेयी के घर चले गए। भरत और शत्रुघ्न के मामा के यहाँ चले जाने के पश्चात राम और लक्ष्मण पिता की सेवा में लग गए और प्रजा की सेवा में लग गए और इस तरह बालकांड समाप्त हुआ। धन्यवाद। जय श्री राम।